नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है। महायुति गठबंधन में जो है वो विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, एकजुटता जो है महागठबंधन के बीच नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां यूपी के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के भाजपा के सहयोगी दल इन बयानों से किनारा कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में शामिल एनसीपी के मुखिया अजित पवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का खुलकर विरोध किया है। अजित पवार ने कहा है कि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है, ये यूपी या झारखंड या कहीं और चलता होगा, यहाँ नहीं चलता। अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सबका साथ सबका विकास की बात कही है। जाहिर है इस तरह महायुति गठबंधन में एक दूसरे के बयानबाजी का विरोध हो रहा है और इन विरोधों के चलते जो बंटवारे के स्वर हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दें, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा के सहयोगी दल एनडीए और महाराष्ट्र में हम बात करें महायुति गठबंधन में एकता दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी भाजपा नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी दी जा रही है। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कदम आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं और कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये किसके खिलाफ एकजुटता की बात कही जा रही है। चुनाव में हिंदू की एकजुटता की बात करने वाले नेता जब हिंदू धर्म के ही SC ST OBC वर्ग के हक अधिकारों पर की बात आती है तो उन पर नहीं बोलते हैं। जब SC ST OBC वर्ग पर अत्याचार होता है, तमाम मामलों में देखा गया है कि हिंदू ही हिंदू पर अत्याचार करता है, तब ये एकजुटता वाले बयान क्यों नहीं देते हैं? यह सिर्फ चुनाव के वक्त हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ एकजुट करके उनका वोट लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।